छठ पर्व को देखते हुए सदर सांसद रवि किशन ने मंगलवार को राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद के सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, छठ पूजा में अधिकतर महिलाएं रहती हैं, इसलिए घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, जिससे उन्हें कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए। सदर सांसद ने कहा कि घाट पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था की गई है, जहां थोड़ी बहुत कमी है उसको भी दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें लाखों महिलाएं छठ का व्रत रहती हैं। उन्होंने कहा, छठ व्रत रखने से छठ माता सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा पूरे देश में फैलता जा रहा है, यह सब भोजपुरी समाज की देन है। इस अवसर पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, दूरी बनाकर और भैया ज्यादातर जो हम लोग अगले पहले बार कितनी पूरा हो हवा हवा भैया हाँ बिल्कुल पेट्रोलिंग करत रहेगी पेट्रोलिंग करती रहेगी सर। एडीजी साहब खुद आए थे सर यहाँ पे भ्रमण किया, अभी एसपी साहब भी आ रहे हैं सर, और हम लोग की पूरी टीम यहाँ पे पूरा सब कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है। और क्या सुरक्षा की दृष्टि से आपको लगता है कि पानी में पानी वाला गोताखोर लोकल गोताखोर भी हम लोग लगा रहे हैं सर, और जो पीएसी और इनकी बाढ़ वाली रहेगी वो लोग भी रहेगी सर। लोकल गोताखोर जो पानी बच्चे वगैरह बच्चे महिलाएं तो ठीक रहे, मतलब पाँच बजे जहाँ जहाँ छुटा हुआ है देखो ये वाला भरवा देंगे सर। विधिवत ड्यूटी लग रही है, एक एक इंस्पेक्टर प्रभार। अच्छा, तीन घाट प्रमुख है, एक ये है, एक तकिया घाट, एक हनुमानगढ़ी घाट, सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी घाट पे होता है। बल्कर रोड वगैरह सब बन रहा है, हनुमानगढ़ी वाला जो अगले साल गए थे हम लोग, सब रोड वगैरह बन रहा है, बना के छिका लेते हैं थोड़ा पानी साफ हो जाए, थोड़ा बोल देता कि निगम भैया लग रहा है थोड़ा सा और क्लीन करा देते ना, वहाँ भी बहुत गंदा है। मैं बोल दा वो नहीं जाएगा, बोला कि फोन करा दो हो ना जाए, वो करवाए की पड़ी हो जाएगा। देखिए कोई पन्नी आगे का भी है, सभी फूल पत्ती वहाँ घाट पे देखा कोने रखी है, मतलब इसको करवाइए। टूटा है उसको जो बांस बल्ली टूटल बा होके बनवा दा, जो ठिंगार बांध रहा है बताइए ना, हटा दो ध्यान देना होता है। अंत्येष्टि स्थल ऐसा आजकल के लिए ना पवित्र टाइम है, तो थोड़ा आदमी मांस बल्टी के लिए हमारी भूल गई। पांडे जी आ गए, पांडे जी कहाँ गए, इधर आइए आप। क्या कर पाए आपके बैरिकेड है, ये दे दीजिए मोबाइल, सेल्फी भी दिलवा देते भैया, कामों बुलाया आज घाट पर करीबन कल
छठ माई की कृपा से 50,000 से ज्यादा भीड़ यहाँ जुटेगी। तो कोई भी पूज्य महाराज जी का आदेश था कि कोई भी कोताही ना हो, तो मैं एक सांसद होने के नाते पूज्य महाराज जी का आदेश लेकर कल रात उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि सांसद जी सारे घाटों का निरीक्षण कर लीजिएगा। थोड़े बांस बल्ली एक जगह गैप था, वो बता दिया गया। बाकी पूरी व्यवस्था बहुत बड़ी, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा भीड़ आएगी तो थोड़ा चिंता का विषय भी रहेगा कि बच्चे भी रहेंगे, माता बहनें रहेंगी, उम्र दराज भी लोग रहेंगे, तो कहीं कोई हम लोगों की तरफ से कोई गलती ना होगी, कोई दुर्घटना हो। तो वही सारी चीज़ों को बड़े बारीकी से देखा गया, साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को भी देखा गया कि कोई पन्नी ना हो, ये कोई गंदगी ना हो, तो वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से देखा गया। और मैं व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ, और थोड़ी बहुत छोटी कमियां थी वो मुझे लगता है शाम तक वो भी ठीक हो जाएंगी। तो हम लोग प्रशासन की तरफ से, पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है, राजघाट है, ये पूरे देश की नज़र रहती है इस घाट पर, ये इतना पॉपुलर घाट है, 65 करोड़ रुपया खर्च करके महाराज जी ने इसको बनाया है, और यहाँ पे सब लोग इसको देखने आते हैं, यहाँ शूटिंग होती है, वीडियोग्राफी होती है, तो वो भी इसको जरा सेंसिटिव तरीके से देख रहा था मैं बहुत देखिए, मैं मॉरिशस भी रहा हूँ, वहाँ पर देखा, मॉरिशस में भी भोजपुरिया समाज है, उसको छठ माई की कृपा बहुत बड़ी है, और आज उसको ट्रिनाड एक कंट्री है, फुजी है, गुयाना है, सूरीनाम है, अमेरिका है, कनाडा है, समस्त हिंदुस्तान है। मुंबई में मैं हर साल रहता था, तो वहाँ पे 20-30 लाख लोग जुहू बीच पे आते थे। दिल्ली से मैं अभी आया हूँ, तो वहाँ यमुना नदी के पास करीबन लाखों लोग होंगे। तो 24-25 करोड़ का हमारा भोजपुरिया समाज है, तो ये समाज बहुत बड़ा है, और उनकी आस्था छठ माई पर बहुत है, और छठ माई की कृपा बहुत असीम होती है। जो भी व्रती होती, जो भी मनौती होती है, वो पूरी होती है वो, और ये उनकी कृपा जैसे बढ़ती जा रही है। छठ माई के बारे में उनके जैसे जैसे जानकारी हो रही है, जो भोजपुरिया समाज के लोग नहीं है वो लोग भी व्रती रह रही हैं, वो भी माताएं बहने अपने परिवार के लिए रह रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो आज कल पूरे देश के हर चैनल पे रहेगा, प्रधानमंत्री जी भी इस पर आप शुभकामनाएं देंगे, मुख्यमंत्री जी की खास नज़र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। तो ये कल का दिन बहुत बहुत पावन दिन है हम सभी लोगों के लिए, सारे भोजपुरिया लोगों के लिए। हम चूंकि भोजपुरिया है ही, हम ही समाज खातिर सिनेमा में कहले ही, हमारे बहुत सारे सिनेमा में भोजपुरी में छठ माई के कृपा पे एगो सिनेमा भी बनोले रहली, तो हमारे लिए बहुत ही, ये कल का दिन बड़ा पावन दिन है, तो बड़ा हम लोग ध्यान से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि कोई कोताही या कोई गलती ना हो। हर हर महादेव, देखा बहुत, जैसे महादेव गुरु गोरक्षनाथ बाबा की कृपा रहे। पूज्य महाराज जी हमको 2 बार पूछे कि मकान काहे नहीं लिए, अपने मन का मकान हमको नहीं मिल रहा था, और हम चाह रहे थे कि हम यहाँ रह के सेवा करें, हमको गोरखपुर बहुत पसंद है, तो गोरक्षनाथ बाबा की कृपा से हमको नौकायन पे एक मकान मिल गया। तो आप सब लोगों का भी प्रेम है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं पूज्य महाराज जी के हाथों से उसका उद्घाटन करवाऊंगा, आप सब लोगों को न्योता दूंगा, सब लोग आइएगा, सब लोग भोजन पे आइए। हाँ जी जी जी, एकदम उसको, और जुहू बीच एकदम बना दिए हैं हम लोग, तो इतना अच्छा है कि आज पूरे देश को गोरखपुर पसंद है, शूटिंग होते रहती है लगातार, आप देखो हीरो हीरोइन सब यहीं घूम रहे हैं, आने वाले समय में भोजपुरी स्टूडियो यहाँ लग जाएगा। हाँ उन लोगों के लगल के चल जाइए, यहाँ हवाई वाड़न, उनके नाम मालूम रहे कि सांसद जी गांव देहात का लड़का है, लोग चल कर आते हैं, हम रेंग कर ऊपर आए हैं, तो हम यहीं रहेंगे और पूज्य महाराज जी की सेवा करेंगे, गोरखपुर की सेवा करेंगे, और गोरखनाथ बाबा की सेवा जनता। सरकार तो हर हर महादेव 350 सीट से हम लोग सरकार बना रहे हैं, पूज्य योगी महाराज जी की सरकार बन रही है, कोई उसमें शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आज अखिलेश यादव ने एक बहुत ही गंदा सा बयान दिया गोरखपुर पे कि गोरखपुर में मेट्रो नहीं चलेगी, नाव चलेगी, तो अखिलेश यादव जी आप लोगों की सरकार थी तब नाव चलती थी, पूज्य महाराज जी की सरकार है मेट्रो भी चलेगी, फरारी गाड़ी भी चलेगी, हाँ लेकिन यहाँ गोलियां नहीं चलेगी, माफियागिरी नहीं चलेगी, गुंडई नहीं चलेगी, ये जरूर होगा। अखिलेश जी, मैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ल, आज आपने दोपहर को जो बयान दिया है, मैं आपको उसके बयान के पलट में ये जवाब देता हूं कि आप लोगों की सरकार के दौरान यहां पे लोग भूखे मरते थे, गोलियां खा के मरते थे, पूज्य महाराज जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहां पर मेट्रो चल रही है, यहां एम्स चल रहा है, फर्टिलाइजर है, यहां सड़क है, ये राजघाट पर आप खड़े हो, यहां पर श्मशान भी है, लेकिन 62 करोड़ का श्मशान भी बनता है, ये होता है काम, यहां की जनता यहां पीछे खड़ी हो देख रही है। आप लोगों के जमाने में माफिया लोग
प्रदेश चलाते थे, यहाँ पूज्य योगी महाराज जी चलाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है हम लोगों पर, हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग ईमानदार हैं। तो आप लोग जान लीजिए, अखिलेश जी ऐसे बयानबाजी से आप बचें कि यहाँ पर नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चलेगा, बहुत जल्द आपकी आंखों पे, आंखों के सामने पूज्य महाराज जी की सरकार बनेगी। दोबारा वो शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ महाराज शपथ लेता हूँ मुख्यमंत्री की, और यहाँ मेट्रो चलेगा, और यहाँ पर फरारी गाड़ियां चलेगी, यहाँ फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, स्टूडियो बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे पलायन नहीं करेंगे। हर हर महादेव।